करता है, कोई जुलाहा है, कोई लोहार है, कोई कुम्हार है, कर्म में कोई दिक्कत नहीं, हम कोई भी काम करते हैं, लेकिन इनमें जो ऊंच नीचे उसे ना माने, वर्ण व्यवस्था को ना माने, हमें ना तो क्षत्रिय बनने की जरूरत है ना शूद्र बनने की। बड़ी संख्या में लोगों का ये कहना है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता में थे तब उन्होंने कभी भी ऐसे मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन आज विपक्ष में है तो उन्हें इन चौपाइयों की याद आ रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी चौपाइयां हैं ये स्वामी प्रसाद जी से पूछा जा सकता है कि उन्होंने उठाया नहीं उठाया। हम तो ये कह रहे हैं जब भी उठाया जाए मुद्दे को तब जरूरी है, और हमेशा से स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी कह चुके हों कि उन्होंने हमेशा विरोध किया, हमेशा वो तो बसपा में रहे, बहुजन मूवमेंट में रहे, तो पूरा बहुजन मूवमेंट ही शूद्रों का, अछूतों का, दलितों का, महिलाओं का मूवमेंट है, तो वो तो पूरा बात ही करता रहा अपने अधिकार की। जितने भी अधिकार आज मिले हैं ओबीसी एससी एसटी को, वो कैसे मिले हैं? उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आज भी आप देख रहे हैं, आज ओबीसी एससी एसटी इतना जागरूक है, तब ये लोग बचाव कर रहे हैं, तब ये लोग बचाव कर रहे हैं। कि एक और चौपाई मैं आपको बताता हूँ कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आज ये कह रहे हैं ताड़ना का मतलब शिक्षा है, जबकि हम भी इसी देश में पैदा हुए हैं और हम भी वही भाषा जानते हैं, हम ब्रजभाषी हैं और अवधिभाषी हैं, हमें पता है कि ताड़ना का मतलब पीटना ही है। लेकिन आज ये जो शहरों में लोग रह रहे हैं जिन्हें ब्रज भाषा बोलनी नहीं आती, जिन्हें अवधि भाषा बोलनी नहीं आती, जिन्हें कन्नौजी भाषा बोलनी नहीं आती, वो प्रवचन दे रहे हैं कि ताड़ना का मतलब शिक्षा है। अरे हमें अपनी भाषा का पता नहीं है क्या? हम भी उसी भाषा के लोग हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि हमें मूर्ख समझते हैं ना, ये सोच रहे हैं ये लोग बोल कैसे रहे, ये तो हमारे गुलाम थे। तो आज उनका अर्थ बदलने की कोशिश की जा रही है, ईमानदार नहीं है ये लोग, धूर्त लोग हैं। ईमानदार होते तो स्वीकार करते कि गीता प्रेस रातों रात में अर्थ बदल देती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गीता प्रेस जो है वही कर रही है, उन्हीं लोगों की प्रेस है जो लोग वर्ण व्यवस्था बनाया, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बना के पूरे समाज को तोड़ के रख दिया, जिसके कारण हम 800 साल गुलाम रहे। कोई अछूत है, कोई दलित है, कोई ये है वो उससे ऊँचा है, जाति में जाति है, जैसे रैदास जी ने कहा है कि जातियों में भी जाति है, यहाँ जातियों में जातियाँ हैं। तो जिन लोगों ने ये जातियाँ बनाई, उसमें ऊंच नीच बनाया, आज वो लोग बचाव कर रहे हैं, रातों रात ताड़ना का मतलब शिक्षा कर दिया, मतलब स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इन्हें हटाना चाहिए। तो ये लोग धूर्त लोग हैं और आज हमेशा से ये ऐसे करते रहे हैं, ये अपनी शोषण की व्यवस्था को बदलते रहते हैं, शोषण को नहीं बदलते, शोषण हमेशा जारी रखना चाहते हैं। तो यही इसका अर्थ है कि शोषण जारी रहे, जब मौका मिलेगा फिर से ताड़ना का मतलब पीटना कर लेंगे। अभी आप मजबूत हैं तो कह रहे हैं नहीं, इसका मतलब तो शिक्षा है। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि अभी आप विरोध कर रहे हैं तो आपको समझा ले रहे हैं, पुचकार ले रहे हैं, फिर क्या करेंगे, जब मौका मिलेगा फिर से आपको गुलाम बना देंगे, फिर से आपको अशिक्षित बना देंगे। तो ये इनकी कोशिश है। तो इन सब से जो है किस तरह से ओबीसी एससी एसटी समाज अपने आप को बचा सकता है? देखिए, जो वर्ण व्यवस्था है उसे हमें नकारना पड़ेगा। जैसे ओबीसी जातियां जो हैं, आज हमारी जितनी ओबीसी जातियां हैं, आप भी पिछड़ी जाति से आते हैं, मैं भी आता हूं, तो हमारे जितने ओबीसी लोग हैं आज वो अछूत या शूद्र थे, ज़्यादातर शूद्र माना गया उन्हें, वर्ण व्यवस्था में शूद्र थे, और एक नया वर्ण बनाया गया अछूत, अछूत को तो समाज में भी नहीं रखा जाता था। तो आज जितने भी शूद्र हैं वो ये नहीं देख रहा है कि हमने 600-700-800 सालों तक शूद्र होने की पीड़ा झेली, ये मूर्ख अब क्षत्रिय बनने में लगे हैं। अरे क्षत्रिय बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, तुम रहोगे तो वर्ण व्यवस्था में ही। तो इसका समाधान है कि पूरी वर्ण व्यवस्था को नकार दिया जाए। हम ना ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, ना शूद्र हैं, ना अछूत हैं, हम जितनी भी पिछड़ी जातियाँ सब बराबर हैं। कोई खेती करता है, कोई जानवर का काम करता है, या सारे ही लोग एक जैसे काम करते हैं, कोई काम करता है, कोई जुलाहा है, कोई लोहार है, कोई कुम्हार है, कर्म में कोई दिक्कत नहीं, हम कोई भी काम करते हैं, लेकिन इनमें जो ऊंच नीचे उसे ना माने, वर्ण व्यवस्था को ना माने, हमें ना तो क्षत्रिय बनने की ज़रूरत है, ना शूद्र बनने की ज़रूरत है, हमें वर्ण व्यवस्था की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका समाधान यही है कि वर्ण व्यवस्था को नकार दिया जाए। मनुस्मृति, रामचरितमानस, गौतम स्मृति, महाभारत, रामायण, जितने भी ग्रंथ हैं जो वर्ण व्यवस्था का पोषण करते हैं और इस तरह की कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने जिससे कि वर्ण व्यवस्था स्थापित रहे, तो उस तरह की कहानियों को, उस तरह के लोगों को हमें नकारना पड़ेगा। और अगर हम उन्हें नकार देंगे तो यही एक समाधान है कि वर्ण व्यवस्था को नकारा जाए। वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो शोषण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे सब बराबर हो जाएंगे, शादियाँ भी करने लगेंगे, बहुत कुछ होने लगेगा। तो इसका यही समाधान है कि वर्ण व्यवस्था को नकारा जाए, अपना सिस्टम पैदा किया जाए, अपने पुरोहित पैदा किए जाएँ, अपना पूरा एक सिस्टम तैयार किया जाए, हर जाति अपनी शादी अपने लोगों से कराए, पुरोहित को आप बुलाएंगे तो उनके गुलाम ही बने रहेंगे, ये इसका समाधान है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने संतोष साक्य जी से जाना कि किस तरह से वर्ण व्यवस्था में जो है ओबीसी एससी एसटी समाज को एक भद्दी भद्दी गालियों की तरह भी कहा गया है और किस तरह से इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।